हेलो माय लवली वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक एंड कुक। तो जैसे कि आप जानते हैं, ईद बहुत करीब है और ईद के मौके पर मीठा तो सभी के घर पर बनाया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस शेरखुरमा रेसिपी। तो आप सभी इस रेसिपी को ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है फुल फैट मिल्क 500 मिलीलीटर, साथ ही हमने लिए है ये बारीक सेवई, देसी घी लिया है हमने, कंडेंस मिल्क, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, खजूर, काजू। इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हमने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और फिर उसके बाद में उसका छिलका निकाल कर हमने उसे कट कर लिया है इस तरह से। तो चलिए अब पैन में पहले हम देसी घी डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ये सभी ड्राई फ्रूट्स। पहले मैं डाल रही हूँ खजूर, छुआरे, फिर चिरौंजी, काजू, बादाम और लास्ट में मैं डालूंगी इसमें पिस्ता। तो इन सभी ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कुछ टाइम के लिए कुक कर लेंगे। ध्यान रखें, आपको इसे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाए तब तक आपको इसे फ्राई करना है। और इसे इस तरह से कंटिन्यूस चलाते रहें। तो देखिए, इसमें से खुशबू आ गई है, मतलब ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए। अब हम इसमें डाल देते हैं सेवई और इसे भी कुछ टाइम के लिए फ्राई कर लें। सेवई को भी ड्राई फ्रूट्स की तरह आपको हल्की सी महक आने तक ही पकाना है। देखिए, इसने हल्का सा कलर चेंज कर दिया है। तो सेवई भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। हमने दूध को अलग से बॉईल नहीं किया है, हम इसी में ठंडा दूध डाल रहे हैं ताकि ये ड्राई फ्रूट्स के साथ में बॉईल हो जाएगा और अच्छी तरह से पक जाएगा। तो देखिए, इसमें उबाल आ गया है अच्छी तरह से। तो आप शीरखुरमे को जितने टाइम तक बॉईल करोगे उतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क। अगर आप कंडेंस मिल्क की रेसिपी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप उसकी जगह चीनी डाल दीजिए और इसे फिर कुछ टाइम के लिए इस तरह से पकाते रहें। देखिए, इसमें एक बार फिर से उबाल आ गया है कंडेंस मिल्क डालने के बाद। तो इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दें। तो देखिए, ये काफ़ी अच्छी तरह से पक गया है और थिक भी हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी किशमिश। किशमिश हम लास्ट में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये अलग अलग क्वालिटीज़ की आती है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि दूध फट जाता है, इसलिए हम इसे लास्ट में डाल रहे हैं। तो देखिए, फिर से इसमें उबाल आ गया। आप जितनी अच्छी तरह और जितने ज़्यादा इसे उबालोगे उतना इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो देखिए, मैं इसे 5 मिनट के लिए और इसी तरह से फ्लेम, मीडियम फ्लेम पर पकाऊंगी। तो देखिए, ये रेडी हो गया, हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम इसे बॉल में निकाल लेंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी शीरखुरमा रेडी हो गया है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो देखिए, ये काफ़ी थिक हो गया है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है। आप सभी इस रेसिपी को इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिए। तो देखिए, बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होती है ये रेसिपी। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।